सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के अंतर्गत मोबाइल के रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हम सेटिंग वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, वाईफाई मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम मोबाइल नेटवर्क क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम मोबाइल नेटवर्क क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेट कॉल एक्सेस ड्यूरिंग कॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मोबाइल दिया गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर पहले सिम में है जियो है, दूसरे सिम में आइडिया है, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, जो कि हमारे दोनों सिम ही चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेट है वो हमारे आइडिया सिम में देख सकते हो, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया 4G, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपना इंटरनेट स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने चेक कर लिया है कि हमारा जो इंटरनेट स्पीड है, हमारा इंटरनेट है जो आइडिया वोडाफोन आइडिया का है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने काम की ओर, ठीक है। तो चलिए हम इसका इंटरनेट स्पीड बढ़ाते हैं। तो देख सकते हो ये हमारा ये गूगल है, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत स्लो हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत स्लो हो रहा है जबकि डाटा चालू है, देख सकते हो। तो चलिए हम अब इंटरनेट स्पीड करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने मोबाइल के ऑप्शन में, ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर है नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आएगा सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को क्लिक करेंगे, सिस्टम को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, बैकअप डाटा और रिस्टोर डाटा, ठीक है। और यहाँ पर है रीसेट ऑप्शन, ठीक है। तो रीसेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखाया गया है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, ठीक है, रीसेट ए परफॉर्मेंस, रीसेट सेटिंग, रीसेट ऑल डाटा सेटिंग। तो यहाँ पर हम करेंगे रीसेट वाईफाई, ठीक है। रीसेट वाईफाई करने पर देख सकते हो यहाँ पर लिखाया गया है दिस विल रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग इंक्लूडिंग, ठीक है। अगर हम इसको रीसेट कर दें तो मोबाइल डाटा वाईफाई ब्लूटूथ सभी रीसेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना सिम टू है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है हम किस सिम को रीसेट करेंगे। तो आप यहाँ पर सिम टू या सिम वन को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रीसेट डालते हैं, जैसे रीसेट का ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा लॉक स्क्रीन है उसको मांगेगा, तो हम इसका लॉक स्क्रीन डाल देते हैं। यहाँ पर लॉक स्क्रीन हमने डाला तो यहाँ पर हम रीसेट करते हैं, यहाँ पर हमारा प्लीज़ वेट, ठीक है, रीसेट हो रहा है। यहाँ पर हमारा डाटा रीसेट हो गया है, हम यहाँ पर अपना डाटा को, ठीक है, हम यहाँ पर अपना डाटा को फिर से ऑफ़ करके, ठीक है, फ्लाइट मोड को ऑन करके फ्लाइट मोड को फिर से बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल डाटा फिर से ऑन करेंगे, ठीक है। फिर से ऑन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल डाटा भी फिर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है कौन सी स्पीड में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो पूरा प्रूफ के साथ ये किस प्रकार से जो पुराना वाला था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये स्पीड था। देखिए हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो कुछ रिफ्रेश इस प्रकार से होता है, देख सकते हो। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डाटा इंटरनेट स्पीड हो चुका है, देख सकते हो चेंज, तो किस प्रकार से ये नए नए फीचर्स को अपडेट हो रहा है, देख सकते हो। आई होप दोस्त वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।